एक बार फिर महाराष्ट्र में भारी बारिश ने कहर बरपाया है, लेकिन इस बार निशाना मायानगरी मुंबई नहीं बल्कि राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर नागपुर बना है, जहां आफत की बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर गाड़ियां मोटर तैरती नजर आ रही है। नागपुर एयरपोर्ट में रास्ते को दोनों तरफ जल भरा हुआ है। यही हाल रेलवे स्टेशन का भी रहा। रेलवे स्टेशन की पटरियों पर पानी भर गया है। नागपुर शहर के रामबाग, इमामबाड़ा, पीली नदी, हुडकेश्वर, नंदनवन, कैलाश नगर समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। कामटी में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घर में बेडरूम तक पानी पहुंचा। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने कई तस्वीरें शेयर की है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपील की है कि वो बिना आवश्यकता के घर से बाहर ना निकले। नागपुर की बारिश का असर आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुंबई में काफी तेजी से बारिश हुई थी, जिसने जान माल का काफी नुकसान किया था। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने आज से लेकर 9 जुलाई तक जिन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। IMD ने कहा है कि अगले 48 घंटे इन जगहों के लिए बहुत भारी है और इस दौरान यहां तूफान भी आ सकता है और भारी बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 89 टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बारिश का अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला कलेक्टर ने सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी, देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।